तो लास्ट क्लास में बेटा हम कर रहे थे, अलग अलग रिएक्शन करी थी सर हमने। बेंजीन रिंग के साथ रिएक्शन करनी स्टार्ट करने वाले थे। ये हमने करी थी बेटा फिनोल के साथ, सल्फोनेशन करी थी। आज बेटा हम कर रहे हैं देयर आर सर्टेन रिएक्शंस दैट फिनोल अंडरगोज। ऐसी कुछ सर्टेन रिएक्शंस होती है जिसके अंदर फिनोल हमारे पास बनता है, बिनोल के साथ और भी कंपाउंड्स बनते हैं, जिसके अंदर सबसे पहली रिएक्शन हम कल पढ़ने जा रहे थे बट टाइम हो गया था, आज पढ़ रहे हैं। दैट इज फर्स्ट रिएक्शन इज कोल्ब्स रिएक्शन। कोल्ब्स रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे बेटा। कोल्ब्स रिएक्शन के अंदर आपने कल फिनाइल इथेनोइड को देखा था, क्या होता है सर फिनाइल इथेनोइड, हम तो भूल गए। तो ध्यान से देखो बेटा यहाँ पे क्या है, बेंजीन रिंग लगी हुई है, बेंजीन रिंग के ऊपर क्या है बेटा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ क्या है सर कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप के साथ क्या लगा हुआ है सर CH3 लगा हुआ है। दो कार्बन है, दो कार्बन है सर, बिल्कुल दो कार्बन है, सी डबल बॉन्ड हो। और यहाँ पे क्या लगा हुआ बेटा आर लगा हुआ है, यहाँ पे ऑक्सीजन लगी हुई है, ऑक्सीजन के ऊपर भी क्या लगा हुआ बेटा आर लगा हुआ है, दैट इज एस्टर। ये क्या होता है बेटा एस्टर होता है। ये वाला जो आर ग्रुप है ये कौन सा है बेटा फिनाइल है, फिनाइल के साथ क्या लगा हुआ है दो इथ वाला ग्रुप लगा हुआ है, दैट इज इथ। और साथ में क्या आ जाएगा बेटा दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है एन। और एस्टर के लिए हम बेटा सेकेंडरी सफिक्स कौन सा लगाते हैं ओइट, दैट इज फिनाइल इथ एन ओइट, फिनाइल इथेनोइट। फिनाइल इथेनोइट की रिएक्शन हम करवा रहे हैं बेटा किसके साथ, AlCl3 के साथ विथ सुटेबल टेम्परेचर दैट इज 18। तो अगर ऐसे ही हम रिएक्शन करवाते हैं बेटा, दैट इज फिनाइल इथेनोइड की रिएक्शन करवाते हैं अगर हम AlCl3 के साथ, तो क्या होगा सर, आपने बेटा अल्केन्स के अंदर पढ़ा होगा क्लास 11th के अंदर, एन ब्यूटेन पढ़ा है बेटा, एन ब्यूटेन, एन का मतलब होता है स्टेट चेन, स्टेट चेन के अंदर चार कार्बन लगे हुए। अगर हम उसकी रिएक्शन करवा रहे थे बेटा AlCl3 के साथ तो कौन सी रिएक्शन हो रही थी सर, आइसोमराइजेशन हो रही थी। कौन सी हो रही थी, आइसोमराइजेशन हो रही थी बेटा, दैट इज यहाँ पे क्या बन जा रहा था सर आइसोब्यूटेन बन जा रहा था। क्लास 11th में ये रिएक्शन आप पढ़ के आए होंगे बेटा। सेम रिएक्शन यहाँ पे होती है बेटा, यहाँ पे क्या होती है रीअरेंजमेंट होती है, क्या होती है सर रीअरेंजमेंट होती है। ऑक्सीजन के ऊपर क्या प्रेजेंट है सर, बल्कि ग्रुप प्रेजेंट है, जैसा कि आप देख सकते हो बेटा ये जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर क्या है एक बल्कि ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये क्या करता है सर रीअरेंजमेंट करता है, रीअरेंजमेंट किसके साथ करता है सर ऑर्थो पोजीशन के हाइड्रोजन के साथ, ऑर्थो पोजीशन के हाइड्रोजन के साथ रीअरेंजमेंट करता है सर, यहाँ पे क्या आ जाता है OH ग्रुप आ जाता है, क्या आ जाता है सर OH ग्रुप। और ये जो नीचे वाला ग्रुप है ये जो बल्कि ग्रुप है बेटा ये कौन सी पोजीशन पे आ जाता है ऑर्थो पोजीशन पे, दैट इज ऑल्सो अ सुटेबल आइसोमराइजेशन। अब ध्यान से देखो बेटा अगर अब हमारे पास OH जो है वो मेन ग्रुप होगा या फिर ये फर्स्ट वाला मेन ग्रुप होगा। अच्छा इसका नाम क्या है, एक कार्बन दो कार्बन सी डबल बॉन्ड हो। ध्यान से देखो बेटा CH3 है, साथ में क्या है सी डबल बॉन्ड हो है, और साथ में क्या लगा हुआ है आर ग्रुप लगा हुआ है दैट इज कार्बन। क्या कहते हैं हम इसे देखते हैं, कौन बताता है क्या कहते हैं हम इसे बेटा, इसे क्या कहते हैं हम इसे, इसे एस्टर नहीं बेटा, एस्टर में तो ऑक्सीजन आ जाता है ना, कीटोन क्या कहते हैं बेटा, वेरी गुड पल्लवी, क्या कहते हैं कीटोन कहते हैं। तो कीटोन ग्रुप की प्रायोरिटी ज्यादा होती है या फिर हाइड्रोक्सी OH ग्रुप की, जल्दी से बताओ बेटा अल्कोहल ग्रुप की प्रायोरिटी ज्यादा होती है कीटोन ग्रुप की प्रायोरिटी ज्यादा होती है, कीटोन ग्रुप की ज्यादा होती है बेटा, किसकी होती है कीटोन ग्रुप की। तो कीटोन ग्रुप की प्रायोरिटी ज्यादा है, दो कार्बन है ये मेन चेन हो गई सर, दो कार्बन है, दो कार्बन के लिए क्या आता है सर एस वर्ड आता है दैट इज एसिटो, साथ में क्या लगा हुआ बेटा साथ में फिनाइल लगा हुआ दैट इज एसिटोफिनोन। ओके सर एसिटोफिनोन हो गया, एंड एसिटोफिनोन तो हो गया सर, एसिटोफिनोन तो इस पूरे ग्रुप का नाम हो गया एसिटोफिनोन। लेकिन बेटा इसके ऑर्थो पोजीशन पे दैट इज अगर ये वाली पोजीशन दिस है इसको हमने फिक्स किया है तो इसकी ऑर्थो पोजीशन पे क्या लगा हुआ है बेटा OH ग्रुप लगा हुआ है, दैट इज ऑर्थो पोजीशन पे क्या लगा हुआ है बेटा हाइड्रोक्सी लगा हुआ है। प्रीफिक्स कौन सा यूज करते हैं हम अल्कोहल के लिए, हाइड्रोक्सी, दैट इज ओ हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन बनता है बेटा अगर हम AlCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा रहे हैं किसके सर फिनाइल इथेनोइड की, दैट इज अ कंप्लीट कोल्ब्स रिएक्शन। समझ आई तो यस टाइप करेंगे बेटा जल्दी से, वेरी गुड बच्चे समझ आ गई है, अगर कोई डाउट है तो बेटा पूछ सकते हो, वेरी गुड बच्चों वेरी गुड।
वेरी गुड बेटा, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन, दैट इज रिएक्शन विद कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड आपको पता ही होगा बेटा क्या होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। बिल्कुल सर, कार्बन मतलब कार्बन, टेट्रा मतलब चार, चार क्या सर क्लोरीन, दैट इज CCl4। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे सर, किसकी रिएक्शन करवा रहे हैं बेटा, एक ही कंपाउंड है हमारे पास, उसी की रिएक्शन करवाए जा रहे हैं, दैट इज फिनोल। फिनोल की रिएक्शन करवाएंगे बेटा किसके साथ, CCl4 के साथ। करवा दो सर फिर, बिल्कुल करवा देते हैं, देखो ध्यान से, CCl4 के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं बेटा कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ NaOH। अब यहाँ पे क्या है सर, पॉसिबिलिटी क्या है, कुछ भी नहीं पता हमें तो, बिल्कुल हमारे सामने तो प्लेन रिएक्शन दे रखी है। तो यहाँ पे क्या है बेटा, कार्बन है, कार्बन के साथ क्लोरीन है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, अगर हम इसे ब्रेक डाउन करना चाहें तो एक क्लोरीन आयन अलग हो सकता है, क्लोरीन नेगेटिव आयन, और यहाँ पे क्या आ सकता है बेटा, CCl3 आ सकता है। यहाँ पे क्या है सर, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, और भी दो हाइड्रोजन है, ऐसा सा कुछ क्राइटेरिया है, और इससे हमें रिएक्शन करवानी है इन प्रेजेंस ऑफ NaOH। तो क्या रिएक्शन होगी बेटा, देखते हैं कौन बताता है। किसी को नहीं आती, POCl3, POPC, पैरा पोजीशन पे CCl3 HCl में भी। वेरी गुड बेटा, पैरा पोजीशन पे नहीं आएगा CCl3, पैरा पोजीशन पे नहीं आएगा बेटा। CCl3 कहाँ पे आएगा सर, हाइड्रोजन पे आएगा, ये जो ऑर्थो पोजीशन वाला हाइड्रोजन है बेटा, ये यहाँ से क्या होगा, एलिमिनेट होगा, हाइड्रोजन एलिमिनेट हो गया सर, क्या बनाया, HCl बनाया। एंड बेटा यहाँ पे हाइड्रोजन जहां से निकला है, यहाँ पे सिंपली तरीके से CCl3 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। बट ये रिएक्शन नहीं है, ये रिएक्शन नहीं है बेटा, ये रिएक्शन नहीं है, रिएक्शन ये नहीं है, रिएक्शन में अब आएगा ट्विस्ट। क्या ट्विस्ट आएगा सर, यहाँ पे बेटा हम NaOH की एक्शन करवा रहे थे, तो यहाँ पे सर NaOH है। अब बेटा ये एक्वस NaOH लेते हैं, एक्वस NaOH लेते हैं, तो ये किसके अंदर ब्रेक डाउन हो जाता है, Na+ NaOH नेगेटिव के अंदर ब्रेक डाउन हो जाता है। यहाँ पे क्या है सर, क्लोरीन आयन है, यहाँ पे क्या है सर, OH आयन है, OH आयन इज बेटर न्यूक्लियोफाइल एज कम्पेयर टू क्लोरीन। तो क्या होगी सर, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन होगी, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन होगी सर, यहाँ पे एक्ट करेगा, 3 मोल्स ऑफ NaOH है, 3 मोल्स ऑफ Cl है, 3 मोल्स ऑफ OH नेगेटिव है। तो यहां से बेटा हमारे पास जो रिएक्शन होती है, दैट इज सर ये क्या है, फिनोल है। यहाँ पे क्या था सर, कार्बन था, कार्बन के ऊपर क्या आ जाते हैं बेटा, 3 मोल्स ऑफ OH नेगेटिव आ जाते हैं, साथ में 3 मोल्स ऑफ Na के साथ 3 मोल्स ऑफ Cl क्या होते हैं बेटा, बाहर होते हैं, और क्या बनाते हैं, 3 मोल्स ऑफ NaCl बनाते हैं। दैट इज अ कंप्लीट रिएक्शन सर, नहीं बेटा अभी भी कंप्लीट रिएक्शन नहीं हुई है, अब क्या रह गया सर, तो अब देखना बेटा, यहाँ पे देखते जाना, ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब हम क्या करवाते हैं सर, इसे हाइड्रोलाइज करवाते हैं, क्या करवाते हैं, हाइड्रोलाइज करवाते हैं सर। हाइड्रोलिसिस क्या होती है बेटा, हाइड्रोलिसिस क्या होती है, मैंने कल कराया था आपको, कराया था क्या मैंने, हाइड्रोलिसिस, डीहाइड्रोजिनेशन, हैलोजिनेशन, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। वेरी गुड बेटा, किसी को कंप्लीट रिएक्शन याद है, एडिशन ऑफ H2O। वेरी गुड बेटा, रिमूवल ऑफ वाटर होता है बेटा डीहाइड्रेशन, डीहाइड्रेशन इज रिमूवल ऑफ वाटर, हाइड्रोलिसिस इज एडिशन ऑफ वाटर। हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है बेटा एडिशन ऑफ वाटर, डिहाइड्रेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर। तो हाइड्रोलिसिस करवाएंगे बेटा, हाइड्रोलिसिस दैट इज H2O, दैट इज H2O। अब बेटा यहाँ पे ये बताइए मुझे, हाइड्रोलिसिस होगी या फिर डिहाइड्रेशन होगी, जल्दी से ही। जल्दी बताओ बेटा, डिहाइड्रेशन होगी। वेरी गुड बेटा पल्लवी, क्या होगी, डिहाइड्रेशन होगी सर। यहाँ पे OH3 आयन्स है, दैट इज OH3, ये क्या होता है बेटा, हाइयर अनस्टेबल होता है। यहाँ पे 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन है, 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन है,
यहां से बेटा हमारे पास दो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड एक मोल ऑक्सीजन मिलके क्या बनाता है बेटा, H2O बनाता है। वाटर क्या होता है सर, रिमूव होता है। वाटर क्या होता है, रिमूव होता है, दैट इज क्या प्रोसेस होती है सर, यहाँ पे डिहाइड्रेशन होती है सर। क्या होती है, डिहाइड्रेशन। आप समझ हो गया, आ गया होगा हाइड्रोलिसिस एंड डिहाइड्रेशन। तो ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे क्या था सर, बेंजीन रिंग थी, बेंजीन रिंग के ऊपर क्या लगा हुआ था सर, OH ग्रुप लगा हुआ था। यहाँ पे क्या था सर, कार्बन था, कार्बन के ऊपर क्या था सर, OH3 था। OH3 के अंदर से H2O बाहर जा चुका है, क्या बचा बेटा, दो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन बचे हैं एंड एक मोल्स ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बचा है। तो कार्बन कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगी सर, एक तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ जाएगी और एक क्या आ जाएगा बेटा, OH आ जाएगा, दैट इज दो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड वन मोल ऑफ हाइड्रोजन। तो इस तरीके का हमारे पास कंपाउंड बनता है। इस तरीके के कंपाउंड को क्या कहते हैं सर, दैट इज OH है। OH के साथ क्या लगा हुआ है सर, कार्बोनिल ग्रुप लगा हुआ है, कार्बोनिल ग्रुप के साथ R लगा हुआ है, दैट इज RCOOH। क्या कहते हैं सर इसे, कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं सर। कार्बोक्सिलिक एसिड तो आपने कह दिया, और साथ में क्या लगा हुआ है, OH लगा हुआ है। नाम क्या होगा बेटा इस कंपाउंड का, वेरी गुड बेटा, एसिड। वेरी गुड बच्चों, ओ हाइड्रोक्सी आगे बोलो बेटा। ओ हाइड्रोक्सी बेंजिनोइक एसिड, वेरी गुड बेटा, पल्लवी का बिल्कुल सही आंसर आया, दैट इज ओ हाइड्रोक्सी बेंजिनोइक एसिड। वेरी गुड बच्चे, दैट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दैट रिएक्शन। This is the first part of that reaction, बेटा। इसी के अंदर हमारे पास एक और पॉसिबिलिटी आती है, that possibility मैं consider तो नहीं करना चाहता था, लेकिन consider कर लेते हैं सर, otherwise फिर वो रह जाएगी। Other possibility क्या आती है सर, हमने अभी अभी reaction करवाई, सर OH के साथ in presence of CCl4। तो यहाँ पे क्या बन रहा था सर, OH था, साथ में क्या आ रहा था बेटा, CCl3 आ रहा था, और साथ में HCl क्या हो रहा था, बाहर हो रहा था बेटा। अगर हम इसकी NaOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो एक पॉसिबिलिटी ये भी होती है बेटा, यहां से हाइड्रोजन क्या हो, बाहर निकल जाए, यहां से हाइड्रोजन क्या हो सर, बाहर निकल जाए, और इसकी जगह क्या ऐड हो जाए बेटा, Na ऐड हो जाए। क्या ऐड हो जाए सर, Na ऐड हो जाए, दैट इज यहां पे क्या बना ले सर, ONa बना ले, और साथ में जो हाइड्रोजन बाहर निकला है बेटा, हाइड्रोजन बाहर निकल चुका है, दैट इज सर यहाँ पे हाइड्रोजन बाहर आ चुका है, ये क्या बनाएगा सर, HCl बनाएगा। NaOH के कितने मोल्स लिए थे हमने, 3 मोल्स लिए थे सर, दैट इज 3OH यहाँ पे क्या हो रहे हैं सर, ऐड हो रहे हैं, दैट इज कार्बन कार्बन के साथ क्या है सर, OH3 है, और साथ में बेटा 2 मोल्स ऑफ NaCl बन रहा है। ध्यान से देखना बेटा, फिर समझ नहीं आएगा। हाइड्रोजन एक था, हाइड्रोजन एक था सर, एक क्लोरीन के साथ बाहर हो गया, दैट इज HCl। Na बेटा 3 थे, एक सोडियम यहाँ पे ऐड हो गया, 2 सोडियम बेटा NaCl के साथ रिएक्ट करके क्या बना लिया, 2 मोल्स ऑफ NaCl, और साथ में क्या है सर, कार्बन कार्बन के साथ क्या आ गया सर, 3 मोल्स ऑफ OH आ गया, दैट इज कार्बन OH3। तो इस टाइप का हमारे पास कंपाउंड बनता है सर। इस टाइप के कंपाउंड के अंदर से क्या होगा बेटा, फिर से वाटर रिमूव होगा। वाटर क्यों रिमूव होगा सर, यहाँ पे OH3 है, तो वाटर रिमूव हुआ सर, दैट इज रिमूवल ऑफ वाटर। क्या बनेगा सर, इस टाइप का कुछ कंपाउंड बनेगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा सर, OH आ जाएगा, और यहाँ पे क्या है सर, कार्बन कार्बन के साथ क्या आ गए, कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड आ गया सर, साथ में क्या है, ऑक्सीजन है। यहाँ पे थोड़ी गलती हो गई, क्या गलती हो गई सर, अब के बार हम रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं, ONa के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। तो ONa के साथ रिएक्शन करवा रहे सर, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। अब यहाँ पे बेटा फर्दर रिएक्शन होती है किसके साथ सर, डाइल्यूटेड HCl के साथ। किसके साथ सर, डाइल्यूटेड HCl के साथ। अब डाइल्यूटेड HCl के साथ रिएक्शन होती है, डाइल्यूटेड HCl के साथ अगर हम रिएक्शन करवा रहे हैं किसके सर, इस कंपाउंड की, तो कैसी रिएक्शन होगी बेटा, जल्दी से बताएंगे, देखते हैं कौन बताता है। दैट इज द एक्स्ट्रा स्टेप इन रिएक्शन।
जो लेंथी स्नैप होता है, NaCl बनेगा और OH बनेगा। और बेटा और क्या होगा? और तो कुछ नहीं होगा सर, यही होगा। दैट इज यहाँ पे क्या है सर, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन 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 को ज्यादा प्रेफर करेगा एज कम्पेयर टू सोडियम। कौन सर? ऑक्सीजन। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनता है बेटा, NaCl बनता है। और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, OH आ गया और साथ में हमारे पास क्या है बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो फिर से हमारे पास वही प्रोडक्ट बना है बेटा, दैट इज लेंथी स्टेप। और यहाँ पे हमने क्या किया, सेम रिएक्शन करी है विदाउट एनी एडिंग डाइल्यूटेड HCl। बिना डाइल्यूटेड HCl के हमने क्या किया बेटा, सिर्फ सिंपली रिमूवल ऑफ वाटर से हमने क्या बनाया, प्रोडक्ट बनाया। तो बेटा रिएक्शन अगर समझ आ गई है तो यस टाइप करिए, अगर रिएक्शन समझ आ गई है तो यस टाइप कर दीजिए बेटा। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो बच्चों। समझ आ गई है रिएक्शन? वेरी गुड बच्चों। सर एक बार पहले वाली रिएक्शन दिखाना, ये लो बेटा। क्लियर है तो बेटा यस टाइप कर देना, उसके बाद आगे ही बढ़ना है। ओके बेटा क्लियर है। तो नेक्स्ट जो रिएक्शन है बेटा, नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन क्या होती है सर? कपलिंग रिएक्शन मतलब कपल। अच्छा कपल सर, कपल कैसे? तो ध्यान से देखना बेटा, कपल कैसे? इन दिस वी गेट डाइज ऑफ डिफरेंट कलर्स। इसके अंदर हमें क्या मिलता है सर, डाइज मिलती है अलग अलग कलर्स की। तो ध्यान से देखो बेटा, कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पे हम रिएक्शन करवाते हैं डाइजोनियम सॉल्ट की। तो डाइजोनियम सॉल्ट मुझे कौन बताएगा क्या होता है? आई मीन चैप्टर पढ़ा होगा आपने, व्हाट इज डाइजोनियम सॉल्ट? जल्दी से बेटा, जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से। N2O? नहीं बेटा, ये तो N2O थोड़ी होता है। नहीं 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 नहीं, नहीं। चलो देखो बेटा ध्यान से, हमारे पास क्या है सर, बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग के ऊपर क्या लगा हुआ सर? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ नाइट्रोजन। और एक हमारे पास क्या लगा हुआ है सर, क्लोरीन लगा हुआ है। इसके ऊपर हमारे पास क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। हाँ दैट इज द क्वेश्चन। यहाँ पे बेटा ये वाला है ए नाइट्रोजन, ये है बी नाइट्रोजन। कौन से वाले के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, कौन से वाले के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा बेटा? बी वाले के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। ए वाले के ऊपर क्यों नहीं आएगा बेटा? ए भी तो चार बॉन्ड बना रहा है। ए वाले के ऊपर क्यों नहीं आएगा? ए भी तो चार बॉन्ड बना रहा है ना। जल्दी से सर, बी पे सीएल नेगेटिव लगा हुआ है। वेरी गुड बेटा, यहाँ पे सीएल नेगेटिव लगा हुआ है, यहाँ पे क्या आएगा सर, पॉजिटिव चार्ज आएगा। दैट इज डाइजोनियम सॉल्ट। इसे हम क्या कहते हैं बेटा, डाइजोनियम सॉल्ट कहते हैं। डाइजोनियम सॉल्ट का क्या करें सर, डाइजोनियम सॉल्ट का तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो डाइजोनियम सॉल्ट की बेटा हम क्या करवाएंगे, रिएक्शन करवाएंगे। किसके साथ करवाएंगे सर, एक ही तो कंपाउंड के साथ करवा रहे बेटा, बार बार एक ही कंपाउंड के साथ करवा रहे। कौन सा कंपाउंड सर? फिनॉल। दैट इज यहाँ पे क्या है सर, यहाँ पे लगा हुआ है OH ग्रुप, यहाँ पे क्या लगा हुआ है सर, ऐसा ऐसा सा कंपाउंड है। तो ध्यान से देखो बेटा, इसके अंदर क्या है, क्लोरीन नेगेटिव आयन है। इसके अंदर क्या है सर, हाइड्रोजन आयंस। हाइड्रोजन आयंस कहाँ कहाँ है बेटा, ऑर्थो पोजीशन पे है, मेटा पोजीशन पे है, पैरा पोजीशन पे है। तो यहां से बेटा क्लोरीन आयन, यहां से हाइड्रोजन आयन, यहां से क्लोरीन आयन, यहां से हाइड्रोजन आयन। कौन सी पोजीशन से हाइड्रोजन आयन जाएगा, ऑर्थो मेटा पैरा कौन सी पोजीशन से जाएगा? जल्दी से कौन सी पोजीशन से जाएगा हाइड्रोजन ग्रुप बेटा, और तो पोजीशन से? कौन सी पोजीशन से सर, और तो पोजीशन से? बिल्कुल गलत बेटा, कौन सी पोजीशन से जाता है, पैरा पोजीशन से जाता है। कौन सी पोजीशन से जाता है सर, पैरा पोजीशन से हाइड्रोजन जाता है सर। ऐसा क्यों होता है अभी देखेंगे बेटा। पैरा पोजीशन से हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होता है सर। यहाँ पे क्या बनाया सर, HCl बनाया। यहाँ पे क्या है सर, यहाँ पे बेंजीन रिंग बच गई है। क्या बच गई है, बेंजीन रिंग बच गई है जिसके ऊपर एक OH ग्रुप लगा हुआ है।
और एक वैलेंसी फ्री है। एक वैलेंसी क्या है सर? फ्री है। ये जो वैलेंसी फ्री है बेटा, यहाँ पे नाइट्रोजन की भी वैलेंसी फ्री है। यहाँ से नाइट्रोजन की भी वैलेंसी क्या हो चुकी है? फ्री हो चुकी है। यहाँ पे नाइट्रोजन क्या हो जाता है सर? अटैच हो जाता है एन ट्रिपल बॉन्ड एन, और यहाँ पे क्या लगी हुई है सर? बेंजीन रिंग लगी हुई है। तो ध्यान से देखो बेटा, सेम कंपाउंड है, बस यहाँ पे क्या लगा हुआ है? OH लगा हुआ है। यहाँ पे हमारे पास क्या हो गई है? लिंकेज हो गई सर, एन ट्रिपल बॉन्ड एन की बीच में। किसके बीच में सर? एक हाइड्रोक्सी फिनोल के बीच में और एक सिंपली हमारे पास फिनाइल के बीच में। दैट रिएक्शन इज नोन एज कपलिंग रिएक्शन। दैट रिएक्शन इज नोन एज कपलिंग रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं बेटा? कपलिंग रिएक्शन कहते हैं। इसको इस तरीके से भी लिखते हैं ताकि बच्चों के समझ आ जाए। दैट इज सर, यहाँ पे क्या लगा हुआ है? नाइट्रोजन लगा हुआ है। नाइट्रोजन के ऊपर ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, और यहाँ पे क्या आ गया बेटा? यहाँ पे बेंजीन रिंग है। अब मुझे ये बताओ, यहाँ पे लगा हुआ है, ये बोन लगी हुई है, तो 1 2 3 4 5 कौन सी पोजीशन के ऊपर OH ग्रुप लगेगा? 1 2 3 4 5 कौन सी पोजीशन पे OH ग्रुप लगेगा? जल्दी से, क्या वन पोजीशन पे लगेगा बेटा? वन पोजीशन पे लगेगा क्या? थ्री पोजीशन पे। वेरी गुड बेटा, मुस्कान का आंसर आया है। कौन से पोजीशन पे सर? थ्री पोजीशन पे क्या लगेगा? OH लगेगा। That is this type के हमारे पास क्या होते हैं बेटा? कपलिंग रिएक्शन होते हैं। इस चीज के अंदर फंस जाते हैं बच्चे कि यहीं पे क्या लगा देते हैं? OH लगा देते हैं। इसको सही करने के चक्कर में जस्ट इसके अपोजिट में क्या लगेगा बेटा? OH लगेगा। तो ये रिएक्शन अगर समझ आई है तो यस टाइप करोगे बच्चों, जल्दी से। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड, सभी को समझ आ गया है। नेक्स्ट जो रिएक्शन है बेटा, नेक्स्ट रिएक्शन हम करेंगे हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। यहाँ पे मैंने नाम नहीं डाल रखा जो है। अच्छा, कौन कौन सी रिएक्शन कर चुके हैं हम अभी तक? कौन कौन सी रिएक्शन कर चुके हैं? फिनोल की हमने बहुत सारी रिएक्शन कर ली है, बहुत ही सारी रिएक्शन कर ली सर, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा है, हम ना उसको ना क्लासीफाई नहीं कर पा रहे हैं कि किस किस टाइप की रिएक्शन करता है, तो उसका थोड़ा क्लासिफिकेशन हो जाए तो ठीक हो जाए। तो क्लासिफिकेशन करेंगे बेटा, ध्यान से देखना। सबसे पहली जो रिएक्शन हमने करी, क्या कुछ बोल रहे थे क्या बेटा? अच्छा, पैरा पोजीशन पे एन क्यों आया सर? यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे से हाइड्रोजन क्यों एलिमिनेट नहीं हुआ, यही पूछ रहे हो ना बेटा? यस सर। तो ध्यान से देखो बेटा, अगर ऑर्थो पोजीशन से हाइड्रोजन एलिमिनेट हो रहा है तो यहाँ पे क्या आएगा सर? ऑर्थो पोजीशन के ऊपर नाइट्रोजन, ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन आएगा। यहाँ पे क्या लगा हुआ है सर? OH लगा हुआ है। ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप, नाइट्रोजन इज आल्सो इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप। क्या होंगे बेटा? इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होंगी, एंड देर इज नो सिमेट्रिसिटी इन कंपाउंड। यहाँ पे क्या है बेटा? सिमेट्रिक कंपाउंड बन रहा है। देयर मेल्टिंग पॉइंट इज लो एंड स्टेबिलिटी इज हाई। मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा बेटा? लो होगा। स्टेबिलिटी क्या होगी? हाई होगी। जैसा कि आपने पढ़ा होगा बेटा, मेल्टिंग पॉइंट इज डिपेंडिंग ऑन सिमेट्रिसिटी ऑफ अ कंपाउंड। मे बी योर डाउट इज क्लियर। अगर डाउट क्लियर है बेटा तो यस टाइप कर देना चैट बॉक्स में। अब ध्यान से देखो बेटा, नेक्स्ट जो रिएक्शन है हमारे पास, अच्छा हाँ, क्लासिफिकेशन कर रहे थे। तो क्लासिफिकेशन के अंदर बेटा सबसे पहली रिएक्शन हमने किसके साथ करी थी? सबसे पहली रिएक्शन हमने करी थी बेटा विद जेड एंड डस्ट। इन रिएक्शन को आपको रिवाइज करना है बेटा, मैं यहाँ पे क्लासिफिकेशन करवा रहा हूँ। क्लासिफिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट है। आप क्या करते जाते हो? ऑर्गेनिक को ना एक फ्लो के अंदर पढ़ते जाते हो, समझ सब कुछ आ रहा होता है, लेकिन जब आप एंड में आते हो ना, तो एंड में आते ही आप पीछे वाला सब कुछ भूल जाते हो। क्यों भूल जाते हो? क्योंकि आप बार बार रिविजन नहीं करते, आपको उन चीजों को क्लासीफाई नहीं करते। ऑर्गेनिक में एक ही चीज करनी होती है बेटा, दैट इज अरेंजमेंट, कि सारी चीजें अरेंज है। अगर हमसे पूछ लिया जाए कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कहाँ पे पड़ी थी, फ्रीडल अल्काइलेशन रिएक्शन कहाँ पे पड़ी थी, तो हम उसे बता सकते हैं कि उस चीज के अंदर वहां पे फोर्थ से फिफ्थ रिएक्शन हमने फ्रीडल अल्काइलेशन करी थी, उससे पहले हम तीन रिएक्शन इजी वाली कर चुके थे। तो अरेंजमेंट मस्ट है बेटा, अरेंजमेंट बिल्कुल अच्छे से करके रखना है आपको चीजों का। सेकेंड जो रिएक्शन हमने पढ़ी थी बेटा, सेकेंड रिएक्शन हमने किसके साथ पढ़ी थी? NH3 के साथ पढ़ी थी। दैट इज हमारे पास क्या बना था सर? अमोनिया गैस से एनिलीन बना था। थर्ड रिएक्शन किसके साथ पढ़ी थी बेटा? थर्ड रिएक्शन पढ़ी थी हमने विद एसिड क्लोराइड। अब देखो बेटा, अब ये जो चीज है ना, ये ऐसे ही याद रहेगी आपको भी। अब आपने क्या किया? फिनोल लिया, फिनोल की हम रिएक्शन करवा रहे हैं, फिनोल की सर्टेन रिएक्शन करवाई है। ये क्या सर्टेन रिएक्शन है सर? जो होंगी
जो हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, तो आपको ये याद होने लग जाएगी बेटा। धीरे धीरे यही रिएक्शन अलग अलग चैप्टर्स के अंदर बार बार रिवाइज होती जाएगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एसिड क्लोराइड है तो एसिड वाले चैप्टर के अंदर वापिस आ जाएगी, अमोनिया के साथ है तो अमोनिया वाले अमीन्स चैप्टर के अंदर वापिस आ जाएगी, तो रिएक्शन रिपीट होंगी बेटा। उसके बाद हमने जो रिएक्शन पढ़ी थी, उसके बाद हमने रिएक्शन पढ़ी थी बेटा शॉर्ट एंड बोमन रिएक्शन, जिसके अंदर हमने फिनाइल इथेनोइड बनाया था, बिल्कुल सर ये भी पढ़ी थी। उसके बाद हमने रिएक्शन विद बेंजीन रिंग करना स्टार्ट कर दिया था बेटा, विद बेंजीन रिंग हमारे पास रिएक्शन स्टार्ट हो गई थी। ये कौन सी रिंग बना दी सर, तो बेंजीन रिंग के साथ जो हमने रिएक्शन करी थी बेटा, उसके अंदर सबसे पहली रिएक्शन हमने कौन सी करी थी, ब्रोमिनेशन करी थी। ब्रोमिनेशन के साथ ही ऐसी एक और रिएक्शन थी, ऐसी एक और कौन सी रिएक्शन थी बेटा, नाइट्रेशन। उसके बाद हमने क्या करी थी, नाइट्रेशन करी थी नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में। नाइट्रेशन से मिलती जुलती एक और रिएक्शन थी, कौन सी रिएक्शन, सल्फोनेशन, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में करी थी, दैट इज सल्फोनेट ग्रुप ऐड हुआ था। सल्फोनेशन के बाद हमने क्या करा था सर, सल्फोनेशन के बाद हमने एक और रिएक्शन करी थी, दैट इज फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। अल्काइल ग्रुप क्या हो रहा था बेटा, ऐड हो रहा था। काफी रिएक्शन हम कर चुके हैं बेटा अभी तक। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन के बाद कौन सी रिएक्शन करी थी सर, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन के बाद हमने कौन सी रिएक्शन करी बेटा, आज करी, कौन सी, कॉल्ब्स रिएक्शन। अच्छा मुझे जल्दी से बताएंगे, कॉल्ब्स रिएक्शन के बाद कौन सी रिएक्शन करी, कॉल्ब्स रिएक्शन के साथ कौन सी रिएक्शन करी बेटा, जल्दी से, आज ही की है ना ये तो हमने। अरे बेटा जल्दी, रिएक्शन विद कार्बन टेट्राक्लोराइड, वेरी गुड बेटा, किसके साथ, कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ हमने रिएक्शन करी। एंड जो लास्ट हमने अभी अभी पढ़ी बेटा, वो कौन सी रिएक्शन थी, कार्बन टेट्राक्लोराइड के बाद कपलिंग रिएक्शन, कौन सी पढ़ी सर, कपलिंग रिएक्शन। 11 रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं बेटा। इन रिएक्शंस के अंदर किसी को कोई भी डाउट है, इन रिएक्शंस के अंदर किसी को कोई भी डाउट है क्या बेटा, कोई भी डाउट हो किसी को भी, नो सर, वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। कुछ कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस रहती है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस मैं कराऊंगा, बिल्कुल कराऊंगा सर। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जैसे कि हमारे पास बेटा रिमर टीमन रिएक्शन हो गई, रिमर टीमन रिएक्शन के अलावा स्लोल फिनाइल सैलिसाइड रिएक्शन हो गई बेटा, या फिर एस्पिरिन हो गई, एस्पिरिन शायद मैं करा चुका हूँ, लेकिन एस्पिरिन की फर्दर रिएक्शन रहती है बेटा। तो कुछ दो सिंपल सी रिएक्शन रह गई है, उन दो सिंपल रिएक्शन को निपटाते हैं। हाँ 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 बिल्कुल बेटा, बिल्कुल बिल्कुल मिलेंगे। टुडे इज संडे, संडे इज अ वर्किंग डे। हाँ बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही, आई कैन अंडरस्टैंड, ओके बेटा। हाँ दो रिएक्शन रहते हैं, दो रिएक्शन निपटाते हैं सर, चलो वो फिर बाद में ही करेंगे। देखो बेटा अभी रिएक्शन जो आपकी रह गई है, उन रिएक्शन के बारे में सुन लीजिए, वो रिएक्शन हम कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, दैट इज हाइड्रोजिनेशन रह गई है। हाइड्रोजिनेशन आपको पढ़ के आनी है बेटा, हाइड्रोजिनेशन कुछ नहीं होता, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है सर। 13 जो रिएक्शन है बेटा, 13 रिएक्शन में पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन क्या होती है सर, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है। 14 जो रिएक्शन पढ़ेंगे बेटा, हम 14 रिएक्शन पढ़ेंगे विद एस्पिरिन, एस्पिरिन के जो फर्दर रिएक्शन होती है। एंड देन बेटा जो 15th रिएक्शन हम पढ़ेंगे, 15th रिएक्शन कौन सी पढ़ेंगे सर, 15th रिएक्शन हम पढ़ेंगे रिमर टीमन रिएक्शन। रिमर टीमन रिएक्शन पढ़ लेंगे सर। इसके अलावा हमारे पास एक और रिएक्शन बची हुई बेटा, दैट इज फ्राइज रीअरेंजमेंट। फ्राइज रीअरेंजमेंट ये रिएक्शन पढ़ने के बाद हम बेटा हमारे पास फिनोल का जो टॉपिक है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। एंड इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे बेटा ईथर्स। तो अप्रोक्सीमेटली जो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी, दैट इज क्लास ऑन मंडे, मंडे की क्लास में बेटा आपका ईथर स्टार्ट हो जाएगा, और ये जो रिएक्शन है ये सारी की सारी रिएक्शन क्या हो जाएंगी, कंप्लीट हो जाएंगी। अगर इन रिएक्शन के अंदर कोई भी डाउट है तो बेटा आप डाउट्स क्रिएट करके लेके आओगे और आते ही मेरे से पूछ लोगे। तो यहीं तक रखेंगे बेटा आज की क्लास को हम।